ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। योग कथा के 16th एपिसोड में आप सभी आत्मीय बंधुओं का सादर अभिवादन। एक स्कूल की घटना मैं आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक गांव के कई बच्चे एक साथ एक स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे। हम उम्र के बच्चे थे इसलिए सभी सहपाठी थे। मित्रों, उन बच्चों में से एक बच्चा गरीब परिवार से था। घर की आर्थिक स्थिति अत्यंत न्यून थी, उसमें भी उसका पिता न थे। माँ ज्यों त्यों करके कैसे भी उसके स्कूल की फीस निकाल लेती थी, लेकिन कॉपी कलम आदि के लिए उसको ठीक से पैसे की व्यवस्था न कर पाती थी। बाकी उसके सभी सहपाठी अमीर परिवारों से थे, यानी कि सबकी आर्थिक स्थिति बड़ी अच्छी थी। लेकिन उस बच्चे के चेहरे पर कभी भी गरीबी का कोई सा विभाव नहीं दिखाई पड़ता था। उसके माथे में गरीबी की कोई भी रेखा न थी। उसे देखकर उसके सहपाठी चिढ़ते भी थे। उसके पास सदा कॉपी कलम आदि का भी अच्छा प्रबंध रहता था। कभी भी अभाव ग्रस्त बच्चा जैसा वह नहीं लगता था। ड्रेस भी ठीक ठाक पहन करके आता था, साफ सुथरा पहनता था। तो उसके कक्षा के सारे बच्चों को बड़ा आश्चर्य होता था कि ये एक गरीब का बच्चा है, बिना बाप का बच्चा है, उसके बावजूद भी यह इतनी अच्छे तरह से पढ़ाई कर रहा है। और इतना ही नहीं मित्रों, वह कक्षा में टॉप भी करता था। किसी दोस्तों के साथ समय को बेकार नहीं करता था, कभी भी अपने समय को नष्ट होने नहीं देता था। ठीक समय पर कक्षा में पहुंच जाता था, छुट्टी के समय में भी अध्ययन करता था, और जैसे ही कक्षा की छुट्टी हो जाती थी उसके बाद वह वहां से निकल जाता था। किसी से बहुत ज्यादा दोस्ती करने में नहीं लगता था। याद रखिए मित्रों, हमारे जीवन का अधिकांश समय दोस्ती में ही निकल जाती है।
अगर दोस्ती कर ही ली तो फिर प्रत्येक के लिए समय देना भी अनिवार्य होता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि तू दोस्त होकर के भी इतना समय भी नहीं दे सकता। तो दोस्त है तो थोड़ी देर मेरे साथ घूमने नहीं चल सकता, तो दोस्त है तो मेरी बात नहीं सुन सकता, तू मेरा दोस्त है तो मेरे साथ ये कार्य नहीं कर सकता, आदि आदि बातें कह करके व्यक्ति को निरंतर बहकाते रहते हैं। व्यक्ति को निभाना भी पड़ता है, मजबूरन भी उसको उस दोस्ती को निभाना होता है। लेकिन मित्रों, उस बच्चे की कोई दोस्ती न थी, मानो वो कोई ज्ञानी पुरुष था। ज्ञानियों की भी किसी से दोस्ती उतनी नहीं होती, क्योंकि सभी उनके दोस्त होते हैं। ज्ञानी कभी भी किसी को खुश करने के लिए नहीं जीते, वो अपने को योग्य बनाने के लिए जीते हैं, अपनी योग्यता को विकसित करने के लिए जीते हैं, और वो सदा कर्म में डूबे रहते हैं। परिणामतः उनके कर्म से पूरी दुनिया को लाभ पहुंचता है। अगर थॉमस अल्वा एडिसन किसी से दोस्ती कर बैठे होते तो आज आप हमारे सामने बिजली का बल्ब ना होता। माइकल फैराडे अगर किसी से दोस्ती करके बैठे होते, किसी दोस्त के चक्कर में पड़े होते, तो बिजली की खोज कभी ना कर पाते। आइंस्टीन दोस्ती में ही अगर समय निकालते तो संभवतः थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रतिपादन ना कर पाते। इतना ही नहीं, जिन्होंने कंप्यूटर दिया, जिन्होंने इस मोबाइल को दिया, जिसने ये घड़ी से लेकर के पेपर से लेकर के पेन से लेकर के ये जो भी चीजें मेरे आंखों के आसपास दिखाई दे रही है, इन चीजों को दी है, उन लोगों ने कभी भी अपने जिंदगी के अमूल्य क्षणों को दोस्ती के चक्कर में कभी बर्बाद नहीं किया। वैसे तो मित्रों, जिसको हम आज अपना हम सफर मानते हैं, जिसको आज हम अनन्य सखा मानते हैं, जिसको आज हम अपना परम मित्र मानते हैं, अपने सहपाठी मानते हैं, वो भी कुछ ही समय के लिए है। आप स्वयं विचार करके देखिए, क्या बचपन में आपके जो जो दोस्त थे, आज भी वो दोस्त आपसे उसी तरह से मिलते रहते हैं? क्या आज भी आप उनके साथ उसी तरह से समय व्यतीत करते रहते हैं? नहीं। जो जो उम्र बढ़ती जाती है, त्यों त्यों जो जो दोस्त होते पीछे 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 छूटते जाते हैं। स्कूल के अलग दोस्त होते हैं, कॉलेज में पहुंच जाते हैं दायरा और बढ़ जाता है, यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं तो दायरा और बढ़ जाता है, कार्य क्षेत्र में जाएंगे तो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो मित्रों, समय को कभी भी दोस्ती के चक्कर में बर्बाद नहीं करना चाहिए। हाँ, समय का सदुपयोग करना चाहिए और कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जो सबके हित के लिए हो, सबके लिए उपयोगी हो। उस बच्चे की भी ऐसी ही स्थिति थी। दसवीं में पढ़ता था लेकिन 10 लोग भी उसके कोई दोस्त नहीं थे, क्योंकि टाइम पर कक्षा में पहुंच जाना, कक्षा में रेगुलर जो भी लेक्चर्स होते थे, जो भी पीरियड्स होते थे, उन्हें अटेंड करना, फिर जैसे ही छुट्टी हो जाती थी वहां से निकल जाना, उसके पास समय नहीं था। इन चीजों को देखकर बहुत सारे लोग जलते थे। सबको लगता था कि हमारे साथ टाइम भी बिताता नहीं, मानो हमारी उपेक्षा कर रहा है, हमें नेग्लेक्ट कर रहा है, और एक गरीब का बच्चा होकर के भी इतने बढ़िया कपड़े पहन करके आता है, इतने अच्छे अच्छे कॉपियां कलम इसके पास होते हैं, ये पक्का कहने के कुछ गड़बड़ करता होगा। क्योंकि व्यक्ति को जब पता नहीं चलता कि दूसरा क्या करता है, तो उसको यही लगता है सबसे पहले कि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करता होगा, क्योंकि वो लोग स्वयं गड़बड़ कर रहे होते हैं। व्यक्ति जिस तरह से अपने समय को
बिता रहा होता है वो यही सोचता है कि दूसरा भी संभव तो ऐसा ही करता होगा। लोगों को खाली टाइम गुजारना सबसे मुश्किल है। आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या है यह कि समय, खाली समय को कैसे बिताया जाए, कैसे गुजारा जाए। इसलिए लोग खाली समय से बचने के लिए टेलीविजन खरीदते हैं, खाली समय से बचने के लिए तरह तरह के अखबार इकट्ठे करते हैं, खाली समय से बचने के लिए तरह तरह के फिल्म देखते हैं, अलग अलग फिल्म हॉल में जाते हैं, थिएटर्स में जाते हैं, अलग अलग कैफे का चक्कर लगाते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या पिज्जा बर्गर हाउस कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि समय बीतता ही नहीं, खाली है। टाइम पास करना उनके लिए बड़ा मुश्किल। वो कहते हैं, कई लोगों को आपने सुने भी होंगे कहते हुए कि आजकल तो समय बीतता ही नहीं। और मित्रों, दुनिया में सबसे बड़ा जो बिजनेस है ना, खाली लोगों के कारण ही चल पा रहा है। अगर लोग खाली ना रहे तो बहुत सारे बिजनेस मैं समझता हूं बंद हो जाएंगे। आज देखिए कितने टेलीविजन चैनल्स हैं, कितने टेलीविजन चैनल्स, मैं समझता हूं हजारों टेलीविजन चैनल्स हैं। और घर पे लोग डिस्क लगा करके तरह तरह से देखते रहते। क्यों? समय है, समय का दुरुपयोग। मुझे लगता है क्योंकि पूरे दिन में कई लोग टेलीविजन में अलग अलग चैनल में जाने के लिए कितने प्रयास करते रहते हैं। कोई किस रूप में प्रयास कर रहा है, कोई किस रूप में प्रयास कर रहा है, लेकिन देखेगा कौन? वही ना जो खाली बैठे हैं। कहने का मतलब यह है कि लोगों के निकम्मेपन के कारण आज ढेर सारा बिजनेस चल रहा है। अगर लोग कर्म में डूब जाएंगे तो बहुतों का बिजनेस भी बंद हो जाएगा। खैर, कहानी की ओर ही लौटते हैं कि वह व्यक्ति भी एकदम गायब होता था तो सबको लगता था कि पता नहीं ये कहाँ जाता होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ करता होगा। एक दिन सब बच्चों ने मिलकर के प्रिंसिपल के पास शिकायत कर दी और कहा कि सर, ये जो है, ये जैसे ही पढ़ाई समाप्त तो हो जाती है, कक्षा समाप्त तो हो जाती है, चोरी करने के लिए निकल जाता है। और देखिए, नहीं तो क्योंकि इतने गरीब का बच्चा है, उसके कपड़े देखो, उसके पास जो है कॉपी पेन आदि इत्यादि देखो, और हमेशा टिप टप बन करके बैठता है, कक्षा में आता है, चोरी करता है। तो प्रिंसिपल ने एक बार तो पूछा, क्या आप लोगों के पास कोई प्रमाण है? वो कहते, सर प्रमाण तो नहीं है, लेकिन हमें पक्का पता है कि यही करता है। सारे बच्चे जाकर के बोल रहे हैं, है ना। वर्तमान में तो जो है बहुमत जिस बात को कहे उसी को सत्य माना जाता है, सत्य की परिभाषा बदल गई। त्रेता युग तक भी सत्य की जो परिभाषा थी, त्रेता में भी यद्यपि विभीषण अकेला था, फिर भी विभीषण को लोग सत्य मानते थे, लेकिन वर्तमान में तो परिभाषा ही बदल गई। सत्य क्या है? जो सब लोग कहें या अधिकांश लोग कहें वो सत्य है। सारे मूर्ख जिस बात को कहेंगे वही सत्य है, एक ज्ञानी जिस बात को कहेगा वह असत्य मान। इस बात से आप सभी भलीभांति परिचित हैं। तो सब लोग इकट्ठे होकर के बोल रहे हैं, तो वो लोग कहते कि सर, हम इतने सारे लोग आए हुए हैं और हम लोगों ने विचार किया तो क्या गलत हो सकता है? ऐसा ही है। तो प्रिंसिपल साहब दूसरे दिन सुबह सुबह उस बच्चे को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि बेटा, तुम सुबह के टाइम पे कहाँ रहते हो? क्योंकि तुम घर पे भी नहीं रहते हो, घर से भी सुबह ही निकल जाते हो, जल्दी भोर में निकल जाते हो। और मैंने पता किया कि तुम घर पर भी रात को पहुंच जाते हो स्कूल से, लेकिन जैसे ही कक्षा छूट जाती है तुम तुरंत निकल जाते हो, गायब हो जाते हो। तुम करते क्या हो बेटा? तो वो कहता है कि सर,
आप ही कह रहे थे ना कि हमें एक एक पल का सदुपयोग करना चाहिए। आपने कहा था ना सर, कर्म कर्म होता है, कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता है। और हमें सदा अगर किसी चीज को ढूंढना है तो वह है कर्म करने की स्थली। आपने तो ये बातें कही थी सर, मैंने भी कर्म करने की स्थली ढूंढी और मैंने अपनी पूरी ताकत को उसमें झोंकना शुरू कर दिया। मुझे अच्छा लगने लगा, मैं कर्म में डूबने के लिए दिन रात कार्य करता हूं। मेरे को किसी के यहां मालिक के तौर पर कार्य करने का मौका मिल गया। मैं बस सुबह भी जाता हूँ, उन्हीं फूलों का देखभाल करता हूँ, क्यारियों को बड़ी अच्छी तरह से सजाता हूँ और सायंकाल को भी जाता हूँ और अच्छे अच्छे फूलों को खिलाता हूँ, फूलों का देखभाल करता हूँ, उनसे ही बातें करता हूँ, उन्हीं के बीच में बैठ करके जैसे ही टाइम मिल जाता है फिर अध्ययन कर लेता हूँ। और रात को फिर जैसे ही मालिक से छुट्टी मिल जाती है तो मैं घर चला जाता हूँ। आपके कहे हुए एक एक शब्द मेरे लिए मंत्र हो गए सर। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, आपके प्रत्येक वाक्य मेरे लिए मंत्र के समान हो गए सर। जब से मैंने ये काम करने लगा तब से मेरे जिंदगी में बाहर आने लगे। अब मुझे किसी चीज का अभाव नहीं है क्योंकि उससे जो पैसे मिलते हैं उन्हीं से मैं कॉपी कलम अपने ड्रेस आदि इत्यादि खरीदता हूँ। मुझे पढ़ने के लिए भी समय मिल जाता है क्योंकि मैं सारा काम इतने बेहतरीन ढंग से और इतने जल्दी जल्दी कर लेता हूँ कि मालिक कहते हैं कि बेटा थोड़ी देर बैठ करके पढ़ लिया करो, तो मैं पढ़ता भी हूँ। मेरे को सारे अवसर मिलने लग गए सर। मैं तो सोच ही रहा था सर आपके पास आ जाऊं और आपका धन्यवाद करूं, आपके प्रति मैं बहुत आभारी हूं सर, आज आपने ही मुझे बुला लिया और पूछा। मित्रों, प्रिंसिपल के आंखों से आंसू की बूंदे गिर जाती है। वो तुरंत उसके कक्षा के सभी साथियों को, उसके सभी सहपाठियों को बुला लेते हैं और उसके कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि देखो बच्चों, यह बालक इतनी मेहनती है, इतना परिश्रमी है, इसलिए यह अपने कक्षा में सदा अव्वल रहता है, सदा टॉपर रहता है। आप लोगों को भी इससे सीख लेनी चाहिए कि खाली समय का सदुपयोग करो। समय को जो खाली जाने देता है उसकी जिंदगी खाली हो जाती है, जो कर्म में नहीं डूबता उसे जिंदगी डुबो देती है। वो न तो अपने लिए कुछ कर सकता है न समाज के लिए कुछ कर सकता है, वह तो भार है भार। प्रिंसिपल महोदय आगे कहते जाते हैं, देखो तुम में से सभी चाहते हो ना कि मैं भी अब्दुल कलाम बनूं, मैं भी मोदी बनूं, लेकिन मोदी जिन परिस्थितियों से गुजरा है, कलाम जिन परिस्थितियों से गुजरा है, क्या तुम सब लोग भी उस परिस्थितियों से गुजरने के लिए तैयार हो? अखबार बेचते हुए कलाम ने पढ़ाई की, चाय बेचते हुए मोदी ने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाई, क्या तुम लोग भी ऐसा करने के लिए राजी हो? नहीं ना। तुम सब लोग बड़े तो बनना चाहते हो लेकिन कर्म को करने के लिए राजी नहीं होते। देखो, जब तक हम किसी भी कर्म को बड़े मन से, बड़े दिल से नहीं करेंगे तब तक बहुत बड़ी उपलब्धि कभी भी नहीं हो सकती। कर्म को इस तरह से करना है मानो आपके लिए उससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। कर्म को ऐसा करो कि कर्म को पूजा बनने दो। कई लोग कहते हैं कि प्रत्येक कर्म पूजा है, लेकिन बच्चों मैं कह रहा हूं प्रत्येक कर्म पूजा नहीं है, क्योंकि चोरी करना भी तो एक कर्म है, तो क्या चोरी पूजा है? नहीं। लेकिन बच्चों, मैं तुम लोगों को कहना चाहता हूं कि प्रत्येक कर्म पूजा बन सकता है, बस तुम्हें कर्म में डूब जाना है। जैसे कर्म में डूब जाओगे, जो भी अकरणीय कर्म होंगे वो स्वतः छूट जाएंगे। अब
बुरा बुरा नहीं रहेगा। कर्म में डूबोगे बस वही तुम्हारे लिए पार लगाने वाला होगा। रैदास चमड़ी से जूते बनाए करते थे, उसी से कुछ जान के उस स्तर तक पहुंच पाए। कबीर कपड़े बुना करते थे, झूला थे, लेकिन उसी से ही उस साधना के उच्चतम स्थितियों की ओर बढ़ने लगे। तुम्हें भी कर्म करना है, समय को कभी भी बेकार होने नहीं देना है। आप ठीक है, आपके परिवार की स्थिति अच्छी है, आपको कमाने की आवश्यकता नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको यह समझना है कि मुझे ईश्वर की कृपा से यह समय मिला हुआ है। अच्छा है कि मुझे अभी अपने कॉपी के लिए, अपने पुस्तकों के लिए, अपने वस्त्र आदि के लिए कमाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मुझे अब इस समय को पूरी तरह से अपने कर्तव्य कर्म में डूबने के लिए लगाना है। मुझे अच्छे कर्म को निरंतर ढूंढना है। याद रखिए इस बात को, मुझे कर्म को ढूंढना है और जो भी कर्म मिल जाए उसको द बेस्ट करना है। द बेस्ट से नीचे में कोई समझौता नहीं करनी है। जो भी कर्म आपको करना है, इस तरह से कर्म करो कि मानो आपसे बेहतरीन धरती में कोई कर ही ना सकता हो। झाड़ू लगाने लगो तब भी इतने बेस्ट लगाओ कि आपसे बेहतरीन कोई लगा ना पाए। आप लिखने लगो इतने बेहतरीन लिखो कि आपसे सुंदर दूसरा कोई लिखने का साहस तक ना कर सके। बोलने लगो तो इतने शुद्ध बोलना, इतने बेहतरीन ढंग से बोलना, इतने काम के बातें बोलना कि दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन आने लग जाए, दूसरे के दिल में सीधा आपके शब्द पहुंच जाए। जो भी काम करो बच्चों, उसमें अपना जान डाल दो, जान डाल दो, बस तुम्हें फिर सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। सफलता का रास्ता खुद ब खुद बनने लगता है। तुम्हारा लक्ष्य खुद ब खुद तुम्हारी ओर आने लग जाता है। जैसे ही प्रिंसिपल साहब अपनी बातों को कहते हैं, सारे बच्चों के आंखों में नमी छा जाती है। सब लोग अपनी धूर्तता के लिए प्रिंसिपल साहब से माफी मांगते हैं और अपने उस कर्मठ साथी से वे क्षमा मांगते हैं। मित्रों, योग भी वही बात कहता है जो बात वह प्रिंसिपल साहब कह रहे थे। योग भी सदा यही कहता है कि आप अपने कर्म को पूजा बनने दो, कर्म में डूब जाओ, कर्म में खो जाओ, फिर उसी से आपके अंदर ज्ञान का उदय होगा और वह ज्ञान आपको मुक्ति तक पहुंचाएगा। कर्म को योग बनने दो, प्रत्येक कर्म, क्योंकि योग की दृष्टि में आप चाहे कलम चला रहे हो या झाड़ू हिला रहे हो, कुछ भी अंतर नहीं है। प्रत्येक कर्म कर्म है, आप उसको किस भाव से करते हो उसके ऊपर निर्भर करता है। यदि आपने अपने जान डाल दिया उस कर्म में, आपने उस कर्म को पूजा बनने दिया, तो उस कर्म से आपके अंदर ज्ञान का उदय होगा। लेकिन यदि आप कर्म को बेमन से करते हो, ऐसे निपटाने के हिसाब से करते हो, तो कर्म आपको निपटा देगा, फिर बस टाइम पास होगा और कुछ भी नहीं होगा, और वही कर्म आपके लिए बंधन का कारण बनेगा। इसलिए आपको जो भी कर्म करोगे उसको यज्ञ भाव से करना है। आपको कर्म इस तरह से करना है जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को भोजन खिलाती है, कितने प्यार से खिलाती है, एक एक कौर इतने प्यार से खिलाती है, मानो उसके लिए वही भगवान है। ठीक उसी तरह से आप हमें भी कर्म में डूब जाना है, अपने कर्म को योग बनने देना है।
क्योंकि कर्म योग को ही शास्त्रों में सर्वोत्तम योग कहा है। जैसे जैसे हम कर्म में डूब जाते हैं, वैसे वैसे यदि हमारे प्रारब्ध कुछ बुरा भी हो, स्वतः टलने लग जाता है। हमारे अंदर की अपवित्रताएं स्वतः क्षीण होने लग जाती, कर्माग्नि से प्रत्येक अपवित्रताएं भस्म हो जाती है। हमारे अंदर उठने वाले वेग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदमात्सर्य के वेग स्वतः शांत हो जाते हैं। इसलिए राजयोग संहिता में कहा है, इज्जार्थम कर्म किमपि कर्म योगो विधीयते, कामे संकल्प रहितम कर्तव्यमिति यत् कृतम परार्थम अथवा कर्मम कर्म योगो विधीयते। इसी को महाभारत के भीष्म पर्व में भी कहा है, यस्तुइन्द्रियाणि मनसा नियम्या रभते अर्जुना कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम सक्तः सविशिष्यते। अर्थात जो पुरुष ज्ञान से इंद्रियों को मन से रोककर और फल की अभिलाषा को छोड़कर कर्मेन्द्रियों से कर्मयोग का अनुष्ठान करता है, वह ही सबसे उत्तम है, वही कर्म योगी है। आप हमें कर्म को ही योग बनने देना है। कई लोग सोचते हैं कि योग का मतलब केवल थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज करना, कुछ आसनादि लगाना या कुछ प्राणायाम आदि की साधना करना, हाँ वो भी योग का एक भाग है, लेकिन उतना ही योग नहीं है। हमें उस कर्म को भी योग बनने देना है, बाकी जो भी कर्म हम करते हैं प्रत्येक को योग बनने देना है। योग सार संग्रह करके विज्ञान भिक्षु ने एक ग्रंथ लिखे हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसमें वो कहते हैं कि यम नियम आदि का अनुष्ठान करना ही केवल कर्म योग है। यम के अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आते हैं। नियम के अंतर्गत शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, शुद्ध प्रणिधान आते हैं। यानी कि दोनों को मिलाकर जो भी श्रेष्ठ कर्म है, जितने भी श्रेष्ठ कर्म है उनको अपने जीवन में धारण करना और उसके लिए निरंतर प्रयत्न करना, उसे ही कर्मयोग कहा है। यम नियमाद्यनुष्ठानम केवलम कर्मयोग उच्यते। तो मित्रों, आप में भी निरंतर कर्मयोग की ओर बढ़ना है, अपने कर्म को योग बनने देना है और फलों की चिंता न करते हुए, हाँ फलों का विचार जरूर किया जाता है लेकिन फलों की ही चिंता करके नहीं बैठा जाता। हमें जो काम अपना है उस काम में पूरी तरह से डट जाना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि यदि हमारी मेहनत में दम है तो सफलता अवश्य मिलेगी, जो मिलना है वो मिलकर ही रहेगा, इतना हमें भरोसा होना चाहिए। कर्मफल के सिद्धांत के ऊपर 100% विश्वास रखना, यही अध्यात्म है। एक बार मैंने अपने डायरी में लिखी थी, जब मैं गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय में अध्ययनरत था, तो वहां पर मैंने लिखी थी, मेरी मेहनत तेरी रहमत। एक माँ थी, अब तो नहीं रही, श्रीमती ज्योति गर्ग साइंटिस्ट थी। तो माता ने वो कॉपी जैसे ही देखी तो उसमें वो आगे वो एक लाइन पूरी कर देती है, अवश्य रंग लाएगी, मेरी मेहनत तेरी रहमत अवश्य रंग लाएगी। तो मित्रों, आप हमें तन मन से पूर्णतया कर्म को योग बनाने में जुट जाना होगा, निरासक्त होकर, अनासक्त होकर कर्म में डूब जाना होगा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। महाभारत के भीष्म पर्व में यह श्लोक आया है, कहते कि जो योगी या जो व्यक्ति फल की आसक्ति छोड़कर आत्मशुद्धि के लिए केवल शरीर से, केवल मन से, केवल बुद्धि से तथा केवल इंद्रियों से कर्म करता है, वह कर्म योगी होता है। अतः मित्रों,
आप हमें कर्म को उस ढंग से करना है कि कर्म हमें पावन बना दे, कर्म हमें शुद्ध कर दे, कर्म हमें अपने शुद्ध स्वरूप की ओर बढ़ने का ज्ञान उत्पन्न कर दे, कर्म हमें मुक्ति तक पहुंचाने के लिए साधन बन जाए। आप सभी को मेरी अनंत शुभकामनाएं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।